हेलो बच्चों मैं कपिल द्विवेदी आपका आपके फेवरेट चैनल विजन पॉइंट पर मैं वेलकम करता हूं हम लोगों ने पिछले टॉपिक पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था सिविल लॉ के एप्लीकेशन को पढ़ा एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ लिया और फटाफट पहले ही बात तो मैं देखूंगा जितने लोग ऑनलाइन आ रहे हैं मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी जल्दी लोग जुड़ते हैं मुझसे ठीक है तो प्लीज़ फ़टाफट सभी लोग को लिंक शेयर कर दीजिए और सभी लोग जुड़ते रहे मैं देखना चाहूँगा कि कितने लोग ऑनलाइन आ रहे हैं फटाफट ठीक है और तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा मैंने आपसे पहले कहा था इस शायद पहले लेक्चर में ही मैंने दो चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि दो चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पहला बायो सिवर लॉ और उनके एप्लीकेशन दूसरा सर्कुलर लॉ और उनके एप्लीकेशन नाउ थर्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यू नो, जस्ट थिंक। लेक्चर नंबर, आज का जो सेशन होगा वो होगा क्या मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूएमएफ दैट मीन्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आइए डिस्कस करते हैं हम आप लोगों से पहले थोड़ा सा क्या है ये चीजें वन बाय वन अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी चार्जिकट चार्ज पार्टिकल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्रीली मूव कर रहा है किसी भी वेलोसिटी से कर सकता है तो वो चार्ज पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है यानी अगर देखा जाए तो इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लॉरेंस और उन्होंने ही सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की थी जिसे कहते हैं लॉरेंस फोर्स है इन मैग्नेटिक फील्ड तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं फटाफट बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं लेट सी बेटा मान के चलो मैंने एक इस तरीके का प्लेन लिया बहुत अच्छे से इसको जज करने की कोशिश करिएगा समझिएगा अगर कहीं कोई डाउट होगा तो मुझे बताइएगा जुड़ते रहिए सभी लोग बेटे बार बार मैं आपसे कह रहा हूं एक थ्री प्लेन है थोड़ा सा ध्यान से रखना है लाइक like दिस अब आपको समझना क्या है एक छोटे छोटे रूल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लें बताएंगे अभी आपको जैसे पाम रूल होता है तो पाम रूल क्या होता है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट पाम को अगर हम इस तरीके से स्प्रेड आउट कर ले पाम राइट right? तो जो फोर फिंगर होता है दिस दिस इज रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो मान के चलो मैंने आपसे ये कहा भैया बेटा सिंपल सा ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का आ जाओ और यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल है एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल नेचर में पॉजिटिव ध्यान से देखना ये वेलोसिटी से थीटा एंगल पर मूव आउट मूव कर रहा था आप समझिएगा कैसे ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान से देखिएगा तो मैंने आपसे कहा दिस इज अब आपको इसी पर इसको अप्लाई करना है दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ये मोशन का डायरेक्शन था और मैंने आपसे एक चीज कहा था पहले ही कि कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब आएगा तो उसकी टेंडेंसी होती है कि उस मैग्नेटिक फील्ड में जाके खुद को स्टेबल करना अब समझिएगा मेरा बच्चा ये भी जा अगर मैं कहूं इधर का कॉम्पोनेंट तो हो जाएगा वी थीटा ये तो हो गया लेकिन मेरा बच्चा अगर मैं कहूं ये प्लेन का डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप कहोगे सर फोर्स यानी दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स मैं जानबूझ करीडी आपको यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत इजी हो जाता है क्या मेरा बच्चा कि अब ये जो चार्ज पार्टिकल होगा वो चार्ज पार्टिकल कुछ भी हो सकता है क्यों तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है यही बताना है मेरे को पहला कॉन्सेप्ट पहला द मैग्नेटिक फोर्स वे डियर ठीक है मैं बहुत छोटी सी चीज आपसे डिस्कस कर रहा हूं यहां पे मैंने आपसे कहा क्या कि मैग्नेटिक फोर्स फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल चार्ज पार्टिकल कुछ बच्चों ने मैसेज किया था कि सर थोड़ा सा इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा पहले ही शायद पढ़ा होगा उन लोगों ने कोई बात नहीं तो बेटा ध्यान से देखते रहना फटाफट जुड़ते जाओ सभी लोग ऑनलाइन में मैं बार बार आपसे कराऊँ सबको लिंक शेयर करिए और तुरंत जुड़िए देखिए क्या मिल रहा है आपको ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा पहला फर्स्ट कंडीशन बेटे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू सबसे पहले कंडीशन ये है कि जितना चार्ज होगा फोर्स उतना मैक्सिमम एक्सपीरियंस करेगा नाइनी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर फोर्स का रिलेशन कैसा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फर्स्ट फैक्टर नाउ सेकेंड फैक्टर इज एफ इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सुनेगा ध्यान से फोर्स हमेशा अपने वेलोसिटी कंपोनेंट के परपेंडिकुलर कंपोनेंट अच्छा इसके साथ थीटा बना रहा था। इसके क्या था थीटा। तो फोर्स माने मेरे ये हो जाएगा v सबसे पहला फैक्टर देखते रहेगा मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल पहले फैक्टर क्यू पर दूसरा परपेंडिकुलर कॉम्पोनेट ऑफ थीटा नाउ थर्ड थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट एफ इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू बी बी मींस मैग्नेटिक फील्ड ओके तो अगर मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड दिस मीन इज थर्ड अगर मैं आपसे कहूं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मेरे बेटे सी बेटा तीनों से मैं देखूं तो मुझे क्या मिल रहा है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू अब साइन से सा सीखना यहीं से प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट बहुत हटे तो एक कांस्टेंट आता है के क्यू बेटे सीखते जाना छोटा लेक्चर रखूंगा चीजें इजी रखूंगा बिल्कुल परेशानी जिससे आपको ना हो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है इस वजह से के की वैल्यू हम लोग लिखते हैं वन ठीक है तो यह मैक्सिमम फोर्स कितना एक्सपीरियंस किया मेरा बच्चा एफ इज इक्वल टू क्यू बी साइन थीटर चलो कोई बात नहीं अच्छी बात है मैंने आपको बता दिया हमने आपसे कहा बेटे ये फोर्स की डिपेंडेंसी किस पर किस पर हुई फर्स्ट वन इज चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेकेंड वन इज वेलॉसिटी थर्ड वन इज मैग्नेटिक फील्ड और अगर फोर्थ की बात करें तो वी मतलब साइन थीटा भी आप कह सकते हो और या ये कह सकते हो कि वेलोसिटी वेक्टर का वर्टिकल कॉम्पोनेंट विच इज ऑल्सो नोन एज साइन थीटा उस पर डिपेंड करेगा चलिए ठीक है इतनी बातें तो समझ में आ गई कि आप भी सोचोगे सर कितना आसान है बहुत ही सिंपल है लेकिन क्या इस फोर्स की यूनिट कुछ और होगी नहीं फोर्स चाहे जहां प्रेजेंट हो चाहे जिस रूप में प्रेजेंट हो उसकी यूनिट हमेशा न्यूटन ही कंसिडर की जाएगी मेरे बच्चे। लेकिन हाँ अगर मुझे कहीं जरूरत पड़ गया कि चार्ज की वैल्यू फंक्शन निकालना तो एफ अपॉन वी बी साइन थीटा। अक्सर इसका कैलकुलेशन में यूज होगा हम इनमें से इन चारों पांचों फैक्टर्स में से

तो इस फोर्स का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट डिपेंड किया दैट मीन बेटे एक सबसे बड़ी बात बता कि अगर मैं आपसे कहूं इन वेक्टर फॉर्म सीखना बेटा इन वेक्टर फॉर्म तो वेक्टर फॉर्म में क्या हुआ एफ ये होगा क्यू वी क्रॉस B क्यों अब फैक्टर कैसे हुआ ध्यान से देखना वी इधर था बी इधर था चार्ज पार्टिकल मैंने कहा स्टेबल होने के लिए किसके डायरेक्शन में भागने की कोशिश करेगा लॉन्ग द डायरेक्शन किया वो थर्ड कॉम्पोनेट मैंने किसको रिप्रेजेंट था फोर्स को, फोर्स को यानी करी क्रॉस बी के फैक्टर पर डिपेंड करेगा या वी क्रॉस बी से बनने वाला प्लेन का डायरेक्शन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा लेट्स यहां दिखाऊंगा इससे बनने वाला अगर मैं मेरे बच्चे इससे बनने वाले प्लेन की बात मैं करूं तो वी ये सेगमेंट जो आएगा बेटे मैं आपको थोड़ा सा अलग डिफाइन कर दू इसे ये जो हमारा प्लेन बनेगा ये वाला सेक्टर ठीक इस इसका डायरेक्शन हमेशा किसकी ओर रहेगा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेरे बच्चे और अगर ऐसा हुआ तो हम इस फोर्स को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एनी डाउट बोल बेटा डाउट बताते रहेगा बोलते रहेगा ऑनलाइन जो भी कोई दिक्कत होगी बेझिझक पूछते रहेगा खैर F इक्वल टू दिस तो अब इस पर कंडीशन क्या बनती है इस पर केसेस क्या बनते हैं ध्यान से देखना ना सी डी केस वन केस फर्स्ट क्या है पहला केस अगर मैं आपसे कहूं कि जो चार्ज पार्टिकल था वो मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोमेंट कर रहा था मतलब इतना ये इधर भाग रहा था हमारा मैग्नेटिक फील्ड किधर था अभी देख बेटा थोड़ी देर पहले देख मैग्नेटिक फील्ड इधर था अब अगर ये चार्ज पार्टिकल इधर भाग रहा होता लाइक दिस ठीक है तो अब क्या होता क्या होता इफ वी परपेंडिकुलर टू बी दैट मीन्स थीटा शुड बी नाइनटी अरे वाह रे वाह थीटा क्या हो गया 90 चलो अच्छी बात है जब थीटा 90 हो गया तो अब मैं फोर्स कहूं तो कितना होगा तो आ जाओ फोर्स हो जाएगा क्यू वी बी साइन नाइनटी तो कहोगे सर अब तो ज्यादा फोर्स लगा रहे हां बिल्कुल भैया इसे कहते हैं मैक्सिमम फोर्स क्यू वी बी दैट मींस वेन बिलास्टी वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट टाइम चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स राइट भैया ओके बेटा ना केस नंबर टू समझ में आ रही बातें केस नंबर टू सेकेंड केस ये जो मैं आपको केसेस के फैक्टर सिखाता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में याद रखना इन्हीं केसेस पर क्वेश्चंस बनते हैं बेटे इसलिए केसेस को अच्छे से आपको डीपली स्टडी करना है थोड़ा सा और अगर केस याद रहे तो आप समझ लो उसी के वेराइटीज़ के न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे बस और कुछ ज़्यादा नहीं है केस नंबर टू अगर मैं आपसे कह दूँ कि सपोज करो कि वी पैरल टू बी हो मेरा बच्चा वी पैरल टू वी हो दैट कि अगर थोड़ा सा हम बैग जाए आपको दिखाएं कि ये जो वी था ऐसे भाग रहा था इधर वो ऐसा हो जाए कुछ डियर से सीख बेटा ये अगर मैं कह दू ये जो चार्ज पार्टिकल था इधर मैग्नेटिक फील्ड थी अगर मान के चलो मेरा बच्चा चार्ज पार्टिकल का मोशन भी इसी डायरेक्शन में हो जाए अब आप बताओ ये था आप इसे फोर्स कह रहे थे ना सोचो मेरा बच्चा वी इज सेम डायरेक्शन अलोंग बी एक ही डायरेक्शन में हो गया वट यू फील कि सर जब एक डायरेक्शन में हो गया तो थीटा जीरो हां थीटा जीरो तो फोर्स कितना हो जाएगा तो क्यू वी बी साइन जीरो मेरा बच्चा साइन जीरो हो गया क्या पूरी वैल्यू जीरो हो गई यस yes, आप कहोगे सर बिल्कुल और ये फोर्स होगा मिनिमम क्या होगा मिनिमम बहुत सिंपल बहुत इजी है पता है मेरे बच्चे इसमें हम दो तीन चीज़ें मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम लोग डिस्कस करते हैं और ऐसे फोर्सेस को ये सारे फोर्सेस कहलाते हैं लॉरेंज फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड अच्छा बार बार हम लॉरेंज सर की बात कर रहे हैं तो ये भी हम आपको बताते हैं कि व्हाट इज़ लॉरेंज फोर्स अगर आपसे लॉरेंज फोर्स को कभी दो तरीके से मेडिकल वाले बच्चे जो नीट वाले बच्चे हैं वो पॉइंट करके नोट करेंगे इस बात को कि लॉरेंज फोर्स उनसे दो कंडीशन में कभी कभी पूछ लिया जाता है जेई मींस मींस में बहुत कम आता है कि कभी कभार पूछा भी जा सकता है लेकिन मैंने देखा है इस पर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं आ, ये जो फॉर्मूले का टर्म्स में अभी आपको सिखाने जा रहा हूं जे मींस वाले बच्चों के लिए बहुत ही कम पूछा जाता है न्यूमेरिकल आएगा न्यूमेरिकल इस पर डिस्कस हो, होता है लेकिन फार्मूला बहुत कम डिस्कस होता है जे मींस या एडवांस में एडवांस में तो बिल्कुल नहीं मीन्स में होता है और लेकिन नीट वाले बच्चे उनसे डायरेक्ट कभी कभी फॉर्मूले डिस्कस हो जाते हैं तो वो फार्मूला क्या था मैं आपको दो मिनट डिस्कस करना चाहूंगा यहीं पर अगर मैं आपसे यही कह देता कि वट इज लॉरेंज फोर्स ठीक है बेटे बहुत ध्यान से समझना अगर मैं सिर्फ कहूं लॉरेंज फोर्स क्या है तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल बहुत ध्यान समझना इफ एनी चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ फ अ चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंसी में दोनों की प्रेजेंसी में कह सकते हो कि फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो बच्चे ऐसे पार्टिकल को ऐसी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं वो ऐसे फोर्सेस को कह सकते हो या रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं लॉरेंज फोर्स यानी सिंपल सा फंडा कि लॉरेंज फोर्स मस्ट भी इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल एज वेल एज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है बेटा तो इसलिए परेशान मत होना ठीक है देखते रहना बस राइट right. अच्छा बहुत अच्छी बात है वेरी गुड क्या बात है देखो फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है वो चार्ज पार्टिकल मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो फोर्स होगा फोर्स ऑन सी पी सी पी मतलब चार्ज पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड बोथ सी डीयर मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं बस आपको समझना है एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड बोथ यानी सिंपली अगर मैं कहूं तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई क्यू प्लस हां भाई हाँ क्यू और ये कितना हो जाएगा क्यू वी क्रॉस बी ये तो कहोगे सर आपने भी थोड़ी देर पहले लिखा था हां बिल्कुल तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी बेटे अगर हम कह दें q कॉमन हो गया तो बोलो यह आ जाएगा ई e प्लस क्रॉस बी एनी डाउट डयर ठीक दिस वन इज लॉरेंज फोर्स इसी फोर्स को मेरा बच्चा हम लोग क्या कहते हैं पता है इसी फोर्स को कहा जाता है लॉरेंज फोर्स लेकिन मेरे बच्चे में एक सबसे बड़ी बात कहूं अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन ऐसा बोल दे सपोज करो कि अगर मैं आपसे कह दूं इफ या ऐसे केस ऑफ ऐसे लिखते हैं इन केस ऑफ जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जब हमारा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ही एक्सपीरियंस ना कर रहा हो टोटल का टोटल क्या फील कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड वही फील कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड को फील कर रहा हो तो ऐसे केसेस में मेरा बच्चा E0 हो जाएगा और बेटे E0 का मतलब ये हुआ कि F की वैल्यू अब सिर्फ और सिर्फ देखो थोड़ा सा देखना Q E0 हो गया V क्रॉस B डियर तो इसका मतलब ये जीरो हो रहा है F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बेटे V क्रॉस B इसे हम लोग क्या कहेंगे इसे हम लोग क्या कहेंगे दिस इज दिस वन इज ऑल्सो लॉरेंज फोर्स बट इन मैग्नेटिक फील्ड इसे क्या बोलेंगे लॉरेंज फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड सिंपल सा फंडा बाकी आपको जरूरत पड़े तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है वही जो पहले वाला टर्म्स था मैंने कुछ नया थोड़ी कर दिया यार कुछ नहीं किया नया आपको लू बनाया हूं बस सिर्फ सिंपल सा केस था यार मेरे बच्चे उसी को बस थोड़ा सा घुमा दिया हो गया तो कभी कभी अगर आपसे ये पूछा जाए कि वट इज द लॉरेंज फोर्स जैसे इसे का क्या बोला गया तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा दिस इज लॉरेंज फोर्स फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड सिंपल सी बात है बहुत सिंपल हो गया खत्म ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अच्छी बात है अच्छी बात है सपोज करो चलो आ जाओ थोड़ा सा एक छोटा सा छोटा सा क्वेश्चन सपोज करो मैंने आपसे एक क्वेश्चन बोला क्या कि एक इलेक्ट्रॉन है हम आपको बता दें चलो एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको मजेदार ठीक है x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस थोड़ा सा देखना यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल लेते हैं छोटा सा अल्फा पार्टिकल किस वेलोसिटी से वी वेलोसिटी से प्ले किस प्लेन में मूव कर रहा था एक्स जेड प्लेन में किस प्लेन में मूव कर रहा था एक्स जेड प्लेन में लेट्स सी क्वेश्चन दे रहा हूं कि वी कितना हो रहा है टू आई कैप माइनस थ्री के कैप प्लस कर लेते हैं चलो ठीक है प्लस कर लेते हैं मूव कर रहा था इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी और बी है फोर जीरो पॉइंट फोर टेस्ला एलोंग एक्स एक्सिस बहुत ध्यान से सीखना बहुत इजी है और मैं आपसे कहूं अब ये अल्फा पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा फाइंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय अल्फा पार्टिकल देखो बेटा मैं आपको ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मैं क्वेश्चन लिख के आऊं और आपको पहले से उसका आंसर यहां बताऊं नहीं तुरंत फ्रेम तुरंत बनाने की कोशिश हो रही है और आप भी वैसे समझने की कोशिश करेगा आ... फाइन फोर्स एक्सपीरियंस by अल्फा पार्टिकल आप समझिएगा बेटे बहुत सिंपल और कभी कभी यही नहीं फाइंड द फोर्स तो इसमें दो चीजें पूछा जा सकता है फोर्स में पहला डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी मैग्नीट्यूड लो ये भी लिख दे रहा हूं बहुत ज्यादा परेशान. तो मैग्नीट्यूड हम लोग हो गया और अब हम लोग निकालेंगे इसी में डायरेक्शन तो हालांकि ये दोनों चीजें आपको एक साथ बतानी देखिए कैसे बड़ा सिंपल सा टर्म्स है कुछ नया चीज नहीं है इसी फैक्टर को हम तो आपको अच्छी सोल्यूशन सोल्यूशन कैसे हो रहा है आपको पता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है क्यू वी क्रॉस बी सिंपली मुझे पता है कि चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल मेरे को चाहिए सॉरी चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल चाहिए वो तो इजीली निकल आएगा कितना होगा सर टू ई लेकिन इसका कितना हो जाएगा सुनिएगा बेटी तो अब मैं यहां पे आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा लाइक दिस यहाँ पे कहीं लिख ले रहा हूं कि चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना हुआ तो आपको पता है टू इंटू ई मतलब टू इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टू माइनस नाइनटीन खैर ये तो बड़ा सिंपल हो जाएगा कितना हो जाएगा पावर माइनस नाइनटीन लेकिन मेरा बच्चा इतना v cross b है v की वैल्यू क्या है प्रोडक्ट किसके साथ होना है x एक्सिस के साथ और आपको पता है इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है i क्या इसका मतलब ये हो गया सिंपली कि अगर मैं इसे समझना चाहूं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया तो आप कहोगे सर पॉइंट फोर इन टू आई क्या हाँ और हियर v की वैल्यू क्या पता थी v की वैल्यू है टू आई कै प्लस थ्री जे कैप थ्री के कैप सॉरी थ्री के कैप अब ध्यान से देखिएगा मेरा बच्चा तो पहले तो मुझे v क्रॉस b समझना होगा फर्स्टली वी वुड हैव टू डिस्कस अबाउट v क्रॉस b v की वैल्यू क्या थी टू आई कैप थ्री के कैप क्रॉस प्रोडक्ट होना है पॉइंट फोर आई कैप अब ध्यान से देखना i क्रॉस i आपको पता है जीरो हो जाएगा। इसका इसमें करूंगा जीरो से सीधा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है क्यों नहीं, क्यों नहीं हो जाएगा ये आपको बेहतर पता है देख बेटा ठीक है आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या होती है याद रहे लाइक like वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है लाइक like वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा लेकिन अब चलो इसका इसमें इसका इसमें जीरो तो हो गया कोई बात नहीं थी लेकिन नाउ के का आई में तो ये हो जाएगा प्लस 1.2 पॉइंट टू के क्रॉस आई और मेरे बच्चे जब हम लोग के क्रॉस आई की बात करें सिंपल से बात सीखना के क्रॉस आई की बात करें आ जाओ आपको पता है कि मैंने आपको शायद बताया है क्लास एलेवेंथ में लेकिन आप लोग पढ़े भी होंगे कि दिस इज क्लॉक रूल ऐसे आई जे क्या भाई कहां चला जा रहा है आ जाओ आई जे के तो अगर मैं के क्रॉस आई करूं के क्रॉस आई तो वो फैक्टर किस पर डिपेंड करेगा जे पर सिंपल सा फंडा के क्रॉस यहां हो जाएगा V क्रॉस B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा वन पॉइंट टू जे चीज तो कंफर्म हो गया क्या कि जो एफ था क्यू कितना था उसका 3.2 पॉइंट टू इंटू टेन पावर माइनस नाइनटीन और ये जो आया कितना 1.2 कितना जे कैप? एक चीज तो क्लियर हो गया कि इसका डायरेक्शन किधर है इस फोर्स का डायरेक्शन किधर है एलोंग वाई एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस ठीक बेटे लेकिन मैग्नीट्यूड अगर पूछना हो तो तो मैग्नीट्यूड क्या मल्टीप्लाई कर लो मॉड अब जे कैप पे डिपेंड कर रहा है तो मॉड ऑफ एफ कितना हो जाएगा सिंपल इसका फैक्टर मल्टीप्लाई करके जो आई लिख दो कितना आ जाएगा ठीक ठीक बेटे 3.84 बहुत कम सिंपल, so simple. कितना आसान था तो कोई बात नहीं बेटे आज का सेशन यही खत्म करता हूं मैं आपको ठीक है अगले लेक्चर में हम लोग जैसे अभी हमने चार्ज पार्टिकल पर फोर्स एक्सपीरियंस कराया और ऐसे ही अगला कोई कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होता तो उस पर फोर्स कितना लगता उसके बारे में डिस्कस करेंगे मतलब वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और उसका भी एप्लीकेशन बहुत यूजफुल है और बाकी अगर आपको कोई दिक्कत होती है बेटे तो मैं आपसे कहूँगा जैसे सभी बच्चे जितने लोग जुड़े हैं आज मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा सभी बच्चों को और बाकी जितने बच्चे आपके कलीग्सों को शेयर करिए वीडियो फ्री तक ये सभी के पास पहुंचे यही मेरा एम है बेटे और आपको अगर कोई डाउट होती है तो बेझिझक आप क्वेरीज कर सकते हो क्वेश्चन पूछ सकते हो जैसा कि ये नंबर भी आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर या मेरे मेल पर जाके कहीं से भी कोई भी डाउट हो कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन फ्रीली डिस्कस विद मी ओके विदाउट एनी हेजीटेंशन थैंक यू थैंक यू सो मच